हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं। आपका 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी के एग्जाम्स आए, उसके बाद स्टेट पी सी एस, यू पी एस सी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मन लगा कर पढ़िए और 2022 तक सिलेक्शन लीजिए अपना। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में आप आज़ादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 अगस्त, 14 अगस्त, सी 13 अगस्त, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में आप आज़ादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया गया, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दिसपुर, ईटानगर, शिलांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी शिलांग हो जाएगा, जो कि मेघालय की सिटी है। तो हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण में जो कि शिलांग जो कि इसका मेजबानी करेगा, शिलांग जो कि मेघालय की सिटी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों को सूची में कितनी और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है? तो टोटल अभी 11 और आर्द्र भूमि को जोड़ा है भारत ने रामसर स्थलों की सूची में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 इसमें नया जोड़ा गया है। एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन इसमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। तो बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और ये राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, जो कि छत्तीसगढ़ के जो कि गवर्नर हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, बौद्धिक संपदा, स्वास्थ्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में खबरों में रहा निपम, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है छात्रों के लिए, जो कि उनके भविष्य के लिए, जो कि उनके बौद्धिक संपदा जो कि उनके उनके बौद्धिक संपदा जो कि उनके जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह मिशन को लाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निपम जो कि इस बौद्धिक संपदा से रिलेटेड है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार जो कि विजेता गाब मैकुला का निधन हुआ, वो किस देश के रहने वाले हैं? तो अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कि अमेरिका के रहने वाले पुलित्जर पुरस्कार जो कि गाब मैकुला, जिनका हाल ही में निधन हो गए, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बिडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल के हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गाब मैकुला जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजा अभ्यास बीकानेर में संपूर्ण हुआ है? तो यह भारत और ओमान के दोनों के बीच जो कि यह युद्ध अभ्यास है, जो कि जिसका नाम है अल नजा, जो कि बीकानेर में यह संपन्न हुआ है। यह एक युद्ध अभ्यास है जो कि ओमान और भारत के बीच यह अभ्यास संपन्न हुआ है, जो कि बीकानेर में यह संपन्न हुआ है, जिसका नाम है अल नजा। तो भारत ओमान के बीच हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए, यह भारत और ओमान के बीच का युद्ध अभ्यास है, तो इसका सी ऑप्शन ओमान हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, भोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत की जो कि पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन जो कि कोलकाता में किया गया, जो कि एक यहाँ अंडर वाटर मेट्रो जो कि चलाया जाएगा यहाँ,
इस फास्ट ट्रेन को जो कि पानी के अंदर इसको चलाया जाएगा, जिसका उद्घाटन अभी कोलकाता में जो कि किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो पहली जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो कि उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा कोलकाता। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी, इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ICMR, भारत बायोटेक या डी इनमेस को नहीं। तो हाल ही में केंद्र सरकार जो कि कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन की जो कि बूस्टर डोज है जो कि मंजूरी दी है, इसका निर्माण जो कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो यह बूस्टर डोज है, जाके लगवाइएगा। तो कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन जो कि यह बूस्टर डोज को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा यहाँ जो कि निर्माण किया गया है, जो केंद्र सरकार ने इसको जो कि मंजूरी दे दी है, तो इसका ये आपसे सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का नामकरण किया है? तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, डी इनमें से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली, तो पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो भारत की पहली सेलाइन जो कि वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो गोवा, केरल, मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो कि यहाँ मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा यहाँ को जो कि यह योजना को लाया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो कि CM है, मंगू भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है मध्य प्रदेश के। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? तो मनोज प्रभाकर, RK त्यागी, प्रमोद कुमार या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि अजय RK त्यागी, जिन्होंने हाल ही में पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, RK त्यागी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल, महाराष्ट्र, गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो अज्ञेय वेब वेब जो कि 3.0 जो कि यह इसका सम्मेलन जो कि गोवा ने इसका किया है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है, तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह, गोपाल विट्ठल, मनीषा रोपटे या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय एयरटेल ने जो कि गोपाल विट्ठल को उनको जो कि प्रबंध निर्देशक के रूप में जो कि भारतीय एयरटेल ने नियुक्त इनको किया गया है, गोपाल विट्ठल को, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो कि धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक जो कि 2022 पारित किया गया, तो जो कि हिमाचल प्रदेश में यह जो कि धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश में जो कि पारित किया गया 2022 में। तो बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, समर सीजन में इसके कैपिटल शिमला और विंटर सीजन में धर्मशाला जो कि इसकी कैपिटल होता है। जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं और राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, थैंक यू।